तो आपके सामने आज का ये जो सबक हैं वो दर्जा तीन धोरण तीन और थर्ड स्टैंडर्ड के लिए यस सर अल कुरान के पेज नंबर 26 यानी कि 26 पर लाइन नंबर जो हैं 9 और 10 आपके सामने मौजूद हैं। इसको मैं हिज्जे और रवा करके पढ़ाऊंगा, आप इसको अच्छी तरह से पक्का कर लें। पढ़ें काफलाम पेश कुल फ़ी ज़रफ़ी कुल फ़ी नून वाव ज़बर नव काफ़ रे ज़बर कर नव कर काफ़ रे पेश कुर सीन ये ज़े सी कुर सी सीन ज़बर स वावले ज़बर व रे ये ज़े री सवारी ते रे ज़बर तर के अली ज़बर काफ़ अली ज़बर का रे ये ज़े री तर खारी खेर ज़बर खर बेवा पेश बू ज़े ज़बर ज़ा खर बू ज़ा फेल ज़बर फ़ा लम व पेश लू दाल है ज़बर दा फालू दा खे पेश खू मीम अलिफ ज़बर मा नून ये जनी खुमानी मीम पेश मू मीम अलिफ ज़बर मा नून ये जनी मुमानी। अब हम इसको रवा पढ़ेंगे। कुल्फी नौकर कुर्सी सवारी तरकारी खरबूजा फालूदा खुमानी मुमानी। माशाल्लाह, ये दो लाइन सबक मैंने आपके सामने इज्जे और रवा करके पढ़ाई। आप इसको दो तीन मर्तबा देख ले ताकि आपको सबक पक्का हो जाए। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपके सामने उर्दू की अव्वल नंबर की किताब और पेज नंबर जो हैं वो 18 यानी कि फर्स्ट नंबर की किताब और पेज नंबर 18 पर लाइन नंबर जो हैं 7 और 8 आपके सामने मौजूद हैं। इसको मैं आपको रवा पढ़ाऊंगा तो आप इसको अच्छी तरह से मश्क कर लें। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, मस्जिद खुदा का घर है, मुस्लिम की मदद करो, मुझको खालिद ने बुलाया है, अहमद आलिम हो गया, बाप को वालिद कहा जाता है। माशाल्लाह, ये दो लाइन सबक मैंने आपके सामने पढ़ी, आप इसको अच्छी तरह से मश्क कर लें। और अगर सबक समझ में ना आए तो आपके हाथ में वीडियो हैं, आप वीडियो को 2 मरतबा 3 मरतबा 4 मरतबा देख लें। कुछ फजूल चीज़ें देखने से बेहतर हैं कि अपने सबक को 2-4 मरतबा देख लें, उसे पक्का कर लें ताकि हमें सबक अच्छी तरह से महफूज हो जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर 26 नंबर पर एक हदीस पाक हैं, बहुत बड़ी हैं, तो मैं इसे पढ़ता हूँ, आप यहाँ पर तवज्जो रखें। ये हदीस पाक है 26 नंबर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मम बना लिल्लाही, क्या है, मम बना लिल्लाही मस्जिदम मस्जिदम बनल्लाहु लहू बैतं फिल जन्ना। मैं फिर से पढ़ता हूँ, मम बना लिल्लाही मस्जिदम बनल्लाहु लहू बैतं फिल जन्ना। सच फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसका तर्जुमा है कि जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई, जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। माशाल्लाह। इसलिए प्यारे बच्चों, ज़िंदगी में जहाँ कहीं भी मस्जिद या अल्लाह के घर का काम शुरू हो तो उसमें हमें दिल लगाकर मेहनत करनी चाहिए। अगर हमें अल्लाह तबारक व तआला ने माल से नवाजा है तो माल से मदद करनी चाहिए, और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वक्त से नवाजा है तो उसमें अपना वक्त देना चाहिए, और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ताकत अता फरमाई है तो ताकत से मस्जिद के काम में मदद करनी चाहिए। क्योंकि जो दुनिया के अंदर अल्लाह का घर बनाता है, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान और प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि मस्जिद के काम जहाँ भी शुरू हों हमारे इलाके के अंदर, तो हमें इसके अंदर पूरी मेहनत करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों,
आपके स्क्रीन पर सूर्य कौसर मौजूद हैं, तो उसको मैं मश्क कराता हूँ, आप इसको अच्छी तरह से मश्क कर लें। यहाँ पर देखिए, पढ़िए, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. میں پھر سے پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. اس سورہ کو آپ اچھی طرح سے مشق کر لیں تاکہ نماز پڑھنے میں آسانی ہو جائے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج میں آپ کے سامنے اس لیے آیا ہوں کہ آج سے انشاءاللہ آپ کے سبق کے اندر جو ہیں، میں ثنا، تشہد، درود ابراہیم، دعائے معشورہ اور دعائے قنوت جو ہیں اس کی بھی مشق ڈالنے والا ہوں، اور اس کو میں تھوڑا وقت کی قلت کی وجہ سے جو ہیں تھوڑا فاسٹ چلنے کی کوشش کروں گا اس میں، لیکن آپ کے ہاتھ میں تو یہ کام ہے کہ آپ ویڈیو کو ریورس اور فارورڈ کر کے بار بار اگر دیکھیں گے اور روز پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو اچھی طرح سے مشق ہو جائے گا. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ماشاءاللہ. ہلو. التحیات للہ والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. درود إبراهيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن توالد ولأستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
انك مجيب الدعوات برحمتك يا ارحم الراحمين. اب یہ دعا قنوت ہیں. اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك بالكفار ملحق.